नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। USSEC रेगुलेटर द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस पर मुकदमा करने के बाद मंगलवार को वर्चुअल डिजिटल एसेट मार्केट में गिरावट आई। बिटकॉइन $26,000 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे गिर गया। क्रिप्टोकरेंसी का IC15 इंडेक्स 2.3% की गिरावट के साथ 36,510 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इस बीच CoinGlass के डेटा ने संकेत दिया कि पिछले 24 घंटों में लिक्विडेशन में $300 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। ये कदम USSEC द्वारा सिक्योरिटी लॉ का उल्लंघन करने के लिए बाइनेंस पर मुकदमा चलाने के बाद आया है। एक दिलचस्प खबर में बाइनेंस के खिलाफ आरोपों ने इंडस्ट्री की इंटेग्रिटी और एक्सचेंजेस पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटर्स के इरादे के बारे में आशंकाओं को फिर से जगा दिया। एनालिस्ट ने कहा कि बाइनेंस और अन्य एक्सचेंज सालों से रेगुलेटरी स्क्रूटनी का सामना कर रहे हैं। डेटा फर्म नैनसन के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस पर USSEC द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो एक्सचेंज से लगभग $780 मिलियन निकाले। इसी के साथ साथ कॉइनबेस को मार्केट बंद होने पर 9% से अधिक का नुकसान हुआ। माइक्रोस्ट्रेटजी के शेयर, जिसकी बैलेंस शीट पर बड़ी अमाउंट में बिटकॉइन है, जिसमें 8.5% से अधिक की गिरावट आई। बिटकॉइन माइनर्स राइट ब्लॉकचेन मैराथन डिजिटल में 8% से अधिक की गिरावट आई, जबकि बिटफार्म्स में 7.4% से अधिक की गिरावट आई। BNB बाइनेंस का एक्सचेंज टोकन और SOL सोलाना ब्लॉकचेन की नेटिव क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 10% से अधिक गिर गई। यहां तक कि लाइटकॉइन, जो पिछले कुछ हफ्तों से तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें 9% से अधिक की गिरावट आई। SEC सूट ने उन टोकन को अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज कहा। पिछले 24 घंटों में 4% की गिरावट के साथ ग्लोबल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप $1.09 trillion के आसपास ट्रेड कर रही थी। हालांकि टोटल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम 66% बढ़कर $45 बिलियन हो गई। एक दूसरी डेवलपमेंट में टेथर एल साल्वाडोर में सबसे बड़ी बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी बनाने के लिए $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लोकेशन नेशन की वॉल्केनिक एनर्जी का उपयोग करेगा। क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म लुक्स ऑन चेन के अनुसार मल्टी चेन प्रोटोकॉल ने ऑपरेशंस फिर से शुरू कर दिए हैं। 4 प्रमुख प्रोटोकॉल में पॉलीगॉन, ZK सिंक, एरा, कावा और अवलांज है। प्रोटोकॉल के फंक्शनिंग के रेवलेशन ने अपने नेटिव टोकन की कीमत में 12% से अधिक की बढ़ोतरी की। स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई क्योंकि वॉल स्ट्रीट ने S&P 500 की हालिया बढ़त को डाइजेस्ट कर लिया, जिसने इसे 9 महीनों में अपने उच्चतम स्तर पर ला दिया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़ा फ्यूचर्स 55 पॉइंट्स या लगभग 0.2% तक फिसल गया। S&P 500 और नैसडैक 100 फ्यूचर्स में क्रमशः 0.1% और 0.04% की गिरावट दिखाई दी। बिटकॉइन 3.6% की गिरावट के साथ $25,785 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी इथेरियम 2.5% की गिरावट के साथ $1,821 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 1.2% की गिरावट के साथ $278 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना SOL 7% की गिरावट के साथ $20.1 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का ADA टोकन 5% की गिरावट के साथ $0.35 पर ट्रेड करता नजर आया। इनटू द ब्लॉक डेटा के मुताबिक कार्डानो ब्लॉकचेन की नेटिव कॉइन ADA ने पिछले 24 घंटों में लगभग $2.5 बिलियन के टोटल ट्रांजैक्शन में भारी बढ़त देखी है। अवलांच AVAX 4.3% की गिरावट के साथ $14.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 6.5% की गिरावट के साथ $0.82 पर ट्रेड कर रहा था। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 7% की गिरावट के साथ $0.066 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 5% की गिरावट दिखाई दी। रिपल का XRP टोकन 4% की गिरावट के साथ $0.51 पर ट्रेड करता नजर आया। पोलकाडॉट 3.7% की गिरावट के साथ $5.1 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पोलकाडॉट के चल रहे डेवलपमेंट एफर्ट्स की वजह से इसके नेटवर्क के अंदर हाई लेवल की एक्टिविटी हुई है। एक प्रमुख डेवलपमेंट पोलकाडॉट का अपने नेटवर्क पर वैलिडेटर्स के एक्टिव सेट का विस्तार करने का प्रस्ताव है। आइए देखते हैं क्रिप्टोकरेंसी मार्केट पर टेक्निकल एनालिस्ट मिस्टर सूर्यवंशी की क्या है राय। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बड़े पिक्चर की बात करूं तो बिटकॉइन में आज जो क्रैश आया है वो काफी बड़ा है एंड उसके कारण पूरी मार्केट रेड हो गई है। सारे ऑल्टकॉइन 10-12% के लिए डाउन है। बिटकॉइन 5% के अराउंड डाउन है। करंटली ट्रेडिंग है $25,400 एंड अगर एक बहुत बड़े
डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि अगला इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो समवेयर अराउंड 24,500 आ रहा है और उसके बाद 23,600। तो आप ये समझ लो अगर बिटकॉइन ये वाला जोन अपना ब्रेक करता है तो वापस से अपने फरवरी में जो उसका हाई था 25,000-24,000 का 24,000 में वापस चला जाएगा। एंड उसके साथ ही अगर मैं छोटे लेवल पिक्चर मैक्रो पिक्चर की बात करूँ 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, तो जैसा कि यहाँ पे एक इंक्लाइंड रेसिस्टेंस बना हुआ था, जब भी मार्केट उसको टच करता था नीचे आ जाता था, तो ये इंक्लाइंड रेसिस्टेंस यहाँ पे आया 29,800 पे आया, फिर नीचे आया, फिर उसके बाद 28,400 आया, फिर नीचे आया। सो मार्केट में जब भी इसको हिट करता था नीचे आ जाता था, तो ये डाउन ट्रेंड का एक पैटर्न फॉलो हो गया था। उसके बाद अगर मैं छोटे पिक्चर की बात करूँ कि मार्केट में पिछले 15 से 20 दिन में क्या चल रहा था, तो 15 से 20 दिन का अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम, तो मार्केट में यहाँ पे बिटकॉइन सिर्फ अपने इस 3% के जोन के अंदर लॉक हो गया था, कि जब भी ये ऊपर जाता था 3% वापस से नीचे 3% आता था, ऊपर जाता था 3% फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो एक एक रेंज बाउंड बन गई थी, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन गया था। मिस्टर सूर्यवंशी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.0 TV। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3wordstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.0 TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters.